लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़की और अब दूसरे शहरों तक यह हिंसा पहुंच गई। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। आरक्षण की मांग हो रही थी, उस्मानाबाद बंद करने को लेकर बवाल हुआ। मराठा आरक्षण की मांग से जुड़े स्थानीय लोग दुकानों को बंद कराने पहुंचे थे। ऐसे में दूसरे पक्ष के लोगों से उनकी बहस हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में विवाद हुआ और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखिए, यह देखिए, महाराष्ट्र और जगह का नाम उस्मानाबाद। दो गुट आमने सामने, एक बंद कराने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ से पत्थर फेंकने शुरू हुए। ये देखिए, ये लोगों को भगाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जो बाइक से लोग बाग यहां पर बंद कराने आए थे, पुलिस ने यहां पर जैसे तैसे माहौल संभाला, वरना आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहां पर हो जाते, कितनी मुश्किलें यहां पर बढ़ जाती। जबरन दुकानें बंद कराने गए थे लेकिन फिर वहां से भागना पड़ा क्योंकि वहां पर पथराव होने लगा। तो मराठा आरक्षण की मांग का असर महाराष्ट्र के बीड़ में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के बीड़ में रास्ता रोक दिया गया, रास्ता रोको आंदोलन किया गया। मराठा समाज ने शहर को बंद कराया, बसों की आवाजाही बंद होने से लोग अब परेशान है, कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। चलिए, नहीं पहुंचते हैं, घर पर बैठते हैं, यही यहां पर लोग कर रहे हैं। जालना में हिंसा की आज का असर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में दिखा। बीड़ को मराठा समाज की ओर से बंद कराया गया, जिसके चलते छत्रपति शिवाजी चौक से रास्ता रोका और बसों की आवाजाही भी बंद कर दी। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, कारोबारियों ने एक तरफ दुकानें बंद कर दी, महाराष्ट्र के बीड़ की एक तस्वीर, तो दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रास्ता रोको आंदोलन, रास्ता रोक दिया गया। ये महाराष्ट्र के जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें आपको इस वक्त देखने को मिलेंगी। आरक्षण की मांग को लेकर जालना में लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद भीड़ और उसके और आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। ये देखिए, ये मराठा आरक्षण, तो ये आपने दो तस्वीरें देखी लेकिन दो से भली तीन, और अब तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो दो से भली तीन, और ये तीन तस्वीरें आपके सामने, इन तीनों तस्वीरों को आप देखिए। सबसे पहले जो तस्वीर है वो है बीड़ की, कारोबारियों ने यहां पर दुकानें बंद करा दी। ये देखिए, ताले लगे हुए हैं, ये बीड़ की कारोबारियों ने दुकानें बंद करा दी। दूसरी तस्वीर कहां की है, जालना में लाठीचार्ज का विरोध और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर आप यहां पर देखिए, ये सारी बसें एक तरफ से बंद पड़ी हुई है लगातार लाइन से। अब इस बस से मंजिल तक पहुंचना था लेकिन ये बंद है। तो एक, दो और ये तीन तस्वीरें, तीनों तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है, आंदोलन नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी नजर आ रही है और प्रदर्शन करते हुए ये लोग आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र की, और इस वक्त महाराष्ट्र कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कहीं बसें बंद हैं, कहीं पर दुकानें बंद हैं और लोग सड़कों पर इस वक्त निकले हुए हैं। ये एक जगह के हालात नहीं है, अलग अलग जगह के हालात ऐसे ही इस वक्त बने हुए हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि एक जगह की हालात नहीं, अलग अलग जगह की तस्वीर है, तो नवी मुंबई से भी दिखाते हैं आपको। नवी मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग का असर दिखा। मराठा क्रांति मोर्चा ने नवी मुंबई में विरोध जताया और घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने लाठी डंडे मारे हैं उन पर कार्रवाई। और क्या कहा गया है, एक मराठा एक लाख मराठा की घोषणा यहां पर। नवी मुंबई में भी जालना हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मराठा क्रांति मोर्चा ने एक मराठा एक लाख मराठा की घोषणा के साथ सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यानी महाराष्ट्र के जालना से सुलगी मराठा आरक्षण की चिंगारी अब भड़कती जा रही है। आरक्षण की मांग के बाद हुए एक्शन पर मराठा समुदाय की ओर से दूसरे शहरों में भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कहां कहां तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए, उस्मानाबाद, बीड, नवी मुंबई सड़कों पर आ चुके हैं। जालना में तो आपने देखा ही, और ऐसे में सार्वजनिक विरोध को लेकर हिंसा और पथराव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मराठाओं से जुड़े सामाजिक संगठन भी अब इस मांग के साथ जुड़ गए हैं, और ऐसे में विरोध के जो स्वर हैं वो बहुत तेज होते नजर आ रहे हैं।